हेलो फ्रेंड, दिस इज़ नानू लूना एंड आई एम बैक विथ माय फर्स्ट ई बुक स्टोरी सेवन किंग्स किंगडम हॉकाई रिवेंज। गाइस आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। 11 चैप्टर हो चुके हैं, अब तक सारे करेक्टर बाहर आ चुके हैं जो इस स्टोरी के मेन करेक्टर्स हैं। कुछ और बाकी हैं जो धीरे धीरे आते रहेंगे सामने। प्लीज़ गाइस आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने उन फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जिनको एवेंजर्स मूवी बहुत पसंद है और मिशन इम्पॉसिबल भी। तो चलिए गाइस हम आगे की कहानी जान लेते हैं, 12 चैप्टर से शुरुआत करते हैं फिर से। चलिए कहानी जानते हैं। क्लिंट ने अपना निशाना लगाया, वो तीर छोड़ने ही वाला था तभी वो बिल्ली वहाँ से भाग गई। ये देख कर क्लिंट ने अपना तीर छोड़ दिया जो वहाँ लगे पत्थर पर जाकर लगा। तीर छोड़ने के बाद उसने बाकी सभी की तरफ देखा। स्टीवन, क्या हुआ क्लिंट? तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? क्लिंट, क्योंकि वो बिल्ली नहीं, वो एक लड़की है और शायद वो वही लड़की है जिसने चोरी की थी। तो हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? उसका पीछा करना चाहिए। स्टार्क, तुम लोग सोचते रहो, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। ये कहकर स्टार्क हवा में उड़कर उसका पीछा करने लगा, जिसे देखकर शिवा चौंक गई। उसने कहा, ये क्या, कैसे? ईथन, हाँ लेकिन वो जंगल में भाग गई है। थोर, ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी। क्लिंट, रुको मैं कुछ करता हूँ। क्लिंट फिर से निशाना लगाता है। कहाँ तक भागोगी? ये कहकर क्लिंट ने तीर छोड़ दिया और दूसरे ही पल वो तीर लौट कर क्लिंट की तरफ आ गया। क्लिंट ने पीछे की तरफ झुककर अपनी जान बचाई और वो तीर पीछे की दीवार पे लगा। स्टार्क चौंककर, बाल बाल बच गए वरना आज तो तुम्हारी आंख जाती। स्टीवन हैरानी से, लेकिन वो क्या थी? क्लिंट, इंसान तो नहीं है। इथन, तो इसका मतलब वो सामान इसी मंदिर में है। शिवा, कौन सा सामान? कौन सी लड़की? थोर, स्टार्क इसे वो वीडियो दिखाओ। शिवा, कौन सा वीडियो? शिवा वीडियो को देखकर सोच में पड़ गई। शिवा, ये सब कब हुआ? स्टार्क, ये सब 2 दिन पहले हुआ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? शिवा, क्योंकि ये बिल्ली, जो कि बिल्ली नहीं एक लड़की है, वो मेरे साथ 2 दिन से है और आज 3rd दिन है। तो ये कैसे हो सकता है कि ये वहाँ चोरी करती और यहाँ मेरे साथ होती, एक ही वक्त 2 जगह? स्टीवन, वो तो हम पता लगा लेंगे, लेकिन पहले वो सामान ढूंढ लें। क्लिंट मंदिर की तरफ देखते हुए, हमने पूरी जगह तलाश कर ली शिवाय इस मंदिर की। शिवा, मंदिर नहीं, आप लोग मंदिर में नहीं जा सकते। थोर, क्यों नहीं? शिवा, क्योंकि शाम होते ही मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और दूसरे दिन सुबह ही खुलते हैं। स्टीवन, लेकिन क्यों? तुम्हारे भगवान की ड्यूटी सुबह से शाम तक ही होती है, उसके बाद वो कमरा बंद करके सो जाते हैं। शिवा गुस्से में, ऐसा मत बोलो, भगवान सबको देखता है कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या बोल रहा है। स्टार, तो फिर क्यों ना तुम अपने भगवान से ही पूछ लो कि वो लड़की कहाँ है, कौन है और क्या चाहती है। और हाँ, ये भी पूछ लेना कि ये बॉक्स में क्या है। शिवा, ये मजाक नहीं है, समझे? टिन के डब्बे। इथन बीच में, शिवा सुनो, ये मंदिर कब से बंद है? शिवा, 2 दिन से, गुरुजी की मौत के बाद। लेकिन क्यों? क्लिंट, तो ये तो साफ हो गया कि इसी मंदिर में कुछ है। शिवा, मंदिर में कुछ नहीं है, बस कुछ पुरानी किताबें, ग्रंथ और पूजा का सामान। इथन, तब तो अच्छा है, हमें उस बॉक्स के पीछे लिखी हुई बातों का मतलब पता चल जाएगा। स्टीवन, मैं भी तो कब से यही कह रहा हूँ, हमें अंदर जाना चाहिए। ये कहकर सभी लोग अंदर जाने के लगे, लेकिन शिवा उनके बीच में आकर खड़ी हो गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी अनहोनी हो। जो वो सब करने जा रहे थे वो शिवा के नज़रिए से गलत था। शिवा, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो आपको श्राप लगेगा। स्टाफ, सच में? ओह, कोई बात नहीं, हम लोग झेल लेंगे, तुम टेंशन मत लो। थोर, और ऐसी बात है तो मुझे दरवाज़ा खोलना चाहिए, क्योंकि मैं देवता हूँ। स्टीवन, तुम्हें डर लग रहा है तो तुम बाहर ही रहो। थोर ने मंदिर का दरवाज़ा खोल दिया और सभी अंदर चले गए, लेकिन शिवा दरवाजे पर ही खड़ी रही। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वहाँ मंदिर में के अंदर वो सारा सामान था जो चोरी हुआ था।
स्टाफ ने सारे सामान की लिस्ट बनाई तो उसे पता चला कि सारा सामान है, बस एक तलवार को छोड़ दो। स्टीवन, मुझे लगता है कि यह शिवा ही है जिसने ये सब किया है, तभी वो हमें अंदर नहीं आने दे रही थी। इथन, लेकिन हम सब ने उन दोनों को अलग अलग देखा है, तो ये कैसे हो सकता है? क्लिंट, उसके पास इतनी पावर है कि मेरी छोड़ी हुई तीर मेरे पास वापस भेज दी, ये सारा सामान यहाँ ले आई, तो दो चार कितने भी रूप ले सकती है वो लड़की। स्टीवन, क्लिंट सही बोल रहा है। स्टार, तुम्हें नहीं पता लेकिन हमारा ना जाने ऐसे कितनों से पाला पड़ा, और तुमने तो कभी जिंदा भूत भी नहीं देखा होगा, थोड़े दिन हमारे साथ रहो वो सब भी देख लोगे। इथन, नहीं मुझे नहीं देखना कोई भूत भूत। तो ये हुआ आज का चैप्टर गाइस, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर। अगले चैप्टर के साथ मैं बहुत जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय, आप अपना ध्यान रखिएगा।